हमारी ज्यादा जो है एनर्जी थी उनसे, क्यों? क्योंकि हम सब भगवान को मानने वाले थे हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने इसको शैतान का रूप दे दिया। अब शैतान निकाले वो हमें क्रिश्चियन बनाए, ये तो ठीक ठीक है। वही वहाँ पढ़ के आ रहे हैं, जितने भी डॉक्टर हैं उनकी सारी डिग्रियाँ तकरीबन विदेशी डिग्रियाँ हैं। आपको पता है भारत में 60% डॉक्टर विदेश से डॉक्टरी MBBS MD करके आते हैं, पता है आपको इस बात का? और MD भी तो सारी वहीं से करते हैं, ऊपर की जितनी भी डिग्रियाँ सारी वहीं से लेते हैं, यहाँ के लेते ही नहीं है। आगे ना, यहाँ भूत प्रेत पहले से ही होते थे, वेद व्यास जी के समय से, उनके वहाँ होते नहीं थे। गुरु नानक ने भी ग्रंथ जो संकलित किया है, हमारा जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, सही मायनों में तो सबसे बड़ा ग्रंथ वही ग्रंथ है, इसमें सब संतों की वाणियाँ हैं, है कि नहीं? एक में भगवान की वाणी है, वो गीता है, तो दोनों ग्रंथ कितने प्रमुख हैं हमारे सबके लिए। उनमें भूत प्रेत का जिक्र आता है कि नहीं आता है? तो वो हमारे क्या कहते हैं, मूर्ख थे हमारे में जो सनातन पत्ति के महात्मा थे, संत थे हमारे लिए, जो भगवत तुल्य थे, जिन्होंने ब्रह्म की उपासना की, ब्रह्म को पाया, हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर ये डॉक्टरों ने कहना चालू कर दिया भूत प्रेत नहीं होते, ये ढोंग ढकोसला है, मैंने दिखा दिया भूत प्रेत ही होते हैं, ज़्यादातर बीमारियाँ दुनिया की भूत प्रेत से हैं, ठीक है? और डॉक्टर हमें मूर्ख बनाए जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं पढ़े लिखे हो, इन चीज़ों पर विश्वास करते हो, हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे धसे पड़े हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो बेचैन रहते हैं रात दिन रात दिन, वो कहीं कहीं जाते रहते हैं और होता कुछ नहीं है हमारे से, तो उनसे भी कुछ नहीं होता है, आया उन डॉक्टरों से। अभी आपने देख लिया कैंसर तक की ट्रीटमेंट जो है वो फ्री में लगा दी कीमो उस लड़की को, कितनी बड़ी बात है, आप कीमो फ्री में दे रहे हो किसी को, कैंसर है नहीं, आगे ना समझ में, कीमो फ्री में लगा रहे हो बिना बात के, उसमें बाल खराब हो रहे हैं, सब कुछ खराब हो रहा है, आदमी कितना जोर पड़ा होगा, जबकि दर्द चल रहा है, दर्द कभी कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा है। आस्ट में मैंने उसके दर्द को उसके पैर में बांध के सारी दुनिया के सामने दिखा दिया, आया? इसका मतलब जो फैलाया गया सब भ्रम जाल है, भूत प्रेत होते नहीं है। अरे वो ये सोचते हैं भूत प्रेत नाम की कोई बड़ी चिड़िया है, उनको पता नहीं है इतना सा तत्व इतना सा कण है, हाँ उससे हमें डरा रहे हैं भूत प्रेत के नाम से। सरदार जी एवज में ये है कि भूत तो हम सारे ही हैं और वो प्रेत योनी है, एक भूत योनी, एक प्रेत योनी, एक देव योनी, एक पितृ योनी, इस प्रकार से 8 योनियां हैं, 8 विभाग हैं, आगे ना हम सारे के सारे देव योनियों में आते हैं, मानव तो मानव योनि में आते हैं और देवता देव योनियों में आते हैं, पितृदेव भी देव योनि में आता है, आगे ना राक्षस आदि भी देव योनि में आते हैं, ये भी देव योनि में आते हैं, दिखाई तो देते नहीं हैं और सूक्ष्म बड़े रहते हैं और शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, इसने बुलाया नहीं इसको, ये भी ना बुलाए आते हैं, और देवता को बुलाना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है, पुकारना पड़ता है, पूजा अर्चन करनी पड़ती है, जब तब करना पड़ता है, वो तभी मिलते हैं, ठीक है ना? तो जो बिना मिले बिना किए मिले वो व्यर्थ होता है कई बार, इसलिए कर्म से ही पैदा करना चाहिए। तो जो बिना कर्म किए मिला है ना, चाहे वो आज पाया हुआ सोना मिला है, वो आपके एक दिन नाश का कारण बनेगा, इसलिए आदमी को अपना पसीना बहाना चाहिए हर काम के लिए। यही बात गुरु नानक कहा करते थे और सच्ची सेवा किया करते थे, सौदा भी सच्चा ही करते थे, झूठा कदापि नहीं किया, है ना, है कि नहीं? हाँ, कहाँ दर्द है पता ना, कहाँ? कहीं भी नहीं है ना। बोल भैया, मेरे राखी के बंधन को निभाना। शर्मा रही, 4 साल से इलाज कर रही है, आगे ना अगले और 4 बार में आएगी तकरीबन ठीक हो लेगी, और फिर डॉक्टरों को धता बताएगी, और जब बताएगी डॉक्टर यकीन नहीं करेंगे, ये कैसे ठीक हो गया, मुझे पता है ना, यकीन क्यों नहीं करेंगे? एक तो वो ये कहेंगे तुम झूठे हो, ऐसे ही ठीक होगी होगी, मेरी दवाई ले रही होगी घर पे बैठ के, आगे ना कितनी ही पर्ची बनवा ली है सारी उम्र, ठीक नहीं हो सकती कदापि, आया? तो डॉक्टरों ने कदापि किसी को ठीक नहीं करना। एलोपैथी जो है दुनिया की सबसे खराब विधा है चिकित्सा की। खराब क्यों है? क्योंकि इसमें आदमी के शरीर को काटा जाता है, चीरा जाता है, फाड़ा जाता है, कुछ हो चाहे ना हो, आगे ना काट के देखा जाएगा, आया समझ में? अगर आज एलोपैथी ना होती तो मैं ये कह रहा हूँ भारत के सारे बच्चे जैसे नॉर्मल पहले पैदा होते आ रहे थे ऐसे ही होते, सिजेरियन ना होते। इस एलोपैथी ने धंधा बना लिया, लोग बिगाड़ दिए, काम खत्म कर दिया, ठीक है ना? ऊपर से हमारी माताएं बहने ये सोचने लगी, ठीक है बस मैं बता नहीं सकता, इतना गंद सोचते हैं लोग, आया समझ में? उनके दिमाग वहां तक जाते हैं। देखो चलो ऐसे ही आते रहे, खुश रहो, शनिदेव महाराज लाज रखें, सदा खुश रखें आपको।